बीते कुछ दिनों से हमने देखा है कि कैसे आम आदमी पार्टी के लीडर्स को एक एक करके राहत मिल रही है। आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि उन लोगों को भी राहत मिल रही है जो कि दिल्ली लिकर पॉलिसी केस में शामिल थे और कितने समय से ही जेल की सलाखों के पीछे थे। पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग केस के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कई ऐसे मामले में बेल दी है जहाँ उन्हें लगा है कि अब तक अरेस्ट की जरूरत नहीं है। और जैसा कि हमने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के एड विभव कुमार के केस में देखा ही है, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुवन के सामने पहुंचा तो विभव कुमार को डिफेंड करते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी दिखे थे, जिन्होंने कहा कि पिछले 100 दिनों से भी जेल में बंद है तो अब उनके कस्टोडियल इंट्रोगेशन की कोई जरूरत नहीं है, जिससे सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अग्री करते हुए विभव को रिहा कर दिया। मनीष सिसोदिया, कविता, विजय नायर और अब विभव कुमार को बेल मिलने के बाद से एक नज़र दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर आ टिकी है कि वे भला जेल से कब निकलेंगे। हालांकि आपको बता दें कि सीबीआई उल्टा उन्हें अपनी कस्टडी में वापस लेने की मांग कर रही है। और क्या दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से सीबीआई के हवाले सौंपा जाएगा, आगे देखते हैं। अब आप सोच भी रहे होंगे कि भला सीबीआई ने तो ऑलरेडी दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करके रखा है तो वे कैसे उनको वापस से कस्टडी में रखना चाहते हैं। तो बात ऐसी है कि दिल्ली लिकर पॉलिसी केस में सीबीआई द्वारा दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले अरेस्ट किया गया था जब वे ऑलरेडी ईडी केस में अरेस्टेड थे। कुछ दिन सीबीआई ने अपनी कस्टडी में दिल्ली सीएम को रखा था जिसके बाद वे जुडिशियल कस्टडी में शिफ्ट हो गए थे और वे वहाँ अभी तक मौजूद है। लास्ट ओकेजन पे जुडिशियल कस्टडी को 3 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था और लास्ट हियरिंग में दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में हमने देखा भी था कि कैसे सीबीआई ने एक न्यू प्ली फाइल की है सीकिंग रिमांड ऑफ अरविंद केजरीवाल फॉर 14 डेज इन द केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम कंसर्निंग द नाउ डिफंक्ट लिकर एक्साइज पॉलिसी। सीबीआई की ये मांगे इसलिए भी थी क्योंकि उन्हें कुछ व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं जो ये दिखा रहे हैं कि केजरीवाल्स इन्फ्लुएंस इन एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम इंडिविजुअल्स इन पंजाब टू फंड आम आदमी पार्टीज कैंपेनिंग इन गोवा। लास्ट ओकेजन पर स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने इस मामले को 3 सितंबर के लिए अर्जन किया था और जब ये मैटर उठा तो सबसे पहले उन्होंने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी को 11 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया है, जिसके बाद एक शॉकिंग टर्न में आज द राउस एवेन्यू कोर्ट इश्यूज समन टू सीएम अरविंद केजरीवाल आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द सप्लीमेंट्री चार्ज शीट फाइल्ड बाय द सीबीआई। जी हाँ, आपने सही सुना, सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट का कॉग्निजेंस लेने के अलावा कोर्ट ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में मौजूद रहने के ऑर्डर्स दिए हैं, जिसके बाद अब ये केस 11 सितंबर के लिए लिस्टेड है। द सीबीआई हैड फाइल्ड अ सप्लीमेंट्री चार्जशीट अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर एंड सारथ रेड्डी। अब जब सीबीआई दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है तो देखना ये होगा कि अभी मामला कब सुलझता है, और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट में 5 सितंबर को ऑलरेडी दिल्ली सीएम का केस हियरिंग के लिए उठने वाला है, जहां उन्होंने बेल की मांग के साथ साथ सीबीआई द्वारा अरेस्ट को भी चैलेंज किया है। और ये अरेस्ट जिसे कि सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने एक इंश्योरेंस अरेस्ट बताया है। जहां इस मामले में दिल्ली सीएम को कोई रिलीफ नहीं मिली है, वहीं मामले और खराब हो गए थे जब उन्हें बीते दिन दिल्ली हाईकोर्ट से झटका मिला था। असल में दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, मिनिस्टर आतिशी एंड अदर्स आम आदमी पार्टी लीडर्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक प्ली फाइल की थी, ये मांग करते हुए कि उनके ऊपर लगे क्रिमिनल डिफेमेशन के चार्जेस डिसमिस हो जाने चाहिए। ये चार्जेस उन पर लगे थे क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर 2018 में ये इल्जाम लगा दिया था कि उन्होंने वोटर्स लिस्ट में से करीबन 30 नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा डिलीट करवाए हैं, जिसके बाद ये क्रिमिनल डिफेमेशन केस भारतीय जनता पार्टी लीडर राजीव बब्बर ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फाइल कर दिया था। इस मामले की सुनवाई में जस्टिस अनुप कुमार मेंडिराता ने स्टेट किया है कि इंडिया में सिटीजन्स को राइट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, पर पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा ये झूठे एलिगेशन काफी गलत है, और दिल्ली सीएम और उनके पार्टी मेंबर्स को झटका देते हुए जज ने ये प्ली डिसमिस कर दी। ये स्टेट करते हुए कि आम आदमी पार्टीज एलिगेशन अगेंस्ट द बीजेपी आर डिफेमेटरी एंड वर मेड टू विलिफाई द बीजेपी एंड गेन अनड्यू पॉलिटिकल माइलेज। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के अलावा एक और आम आदमी पार्टी लीडर है जिनकी मुसीबतें बहुत कम है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी एमएलए अमनतुल्ला खान की, जो कि एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हुए हैं इन कनेक्शन विद अलेज्ड इरेगुलरिटीज इन अपॉइंटमेंट्स टू दिल्ली वक्फ बोर्ड। और वही बीते दिन सुबह सुबह उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए स्टेट भी किया था कि ईडी उनके घर रेड के बहाने घुस गई है और उन्हें अरेस्ट भी करना चाहती है, और जिसके कुछ समय बाद ही हमने सुना है कि वे अरेस्ट हो चुके हैं और जिसके साथ ही उन्हें 4 दिन की ईडी कस्टडी में भी सौंपा गया है।
अब जहां आम आदमी पार्टी के एक मेंबर अरेस्ट हो चुके हैं, तो देखते हैं कि कैसे इस केस में आम आदमी पार्टी फॉर्मर मीडिया इंचार्ज विजय नायर को बेल मिली है। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि उनकी ओर से लड़ रहे थे, ने सबसे पहले यही कहा कि जैसे कि मनीष सिसोदिया को बेल मिली है, वैसे ही उन्हें भी बेल मिल जानी चाहिए, क्योंकि उनका केस सिसोदिया की तरह सिमिलर है। राइट टू स्पीडी ट्रायल के पॉइंट पर फोकस करते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि विजय नायर भी 2022 से ही जेल में बंद है। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने इस पॉइंट पर स्टेट किया है कि कविता एंड सिसोदिया डिड नॉट हैव बेल इन द प्रेडिकेट ऑफेंसेस, आई हैव बेल इन द प्रेडिकेट ऑफेंसेस। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने कहा भी कि इस केस में जिन लोगों को मास्टरमाइंड कहा गया था, उनको तो बेल मिल ही चुकी है, और फिर ऐसे में विजय नायर अभी तक जेल में क्यों बंद है, व्हेन दे ईडी हैव कॉल्ड मनीष सिसोदिया मास्टरमाइंड बट दे हैव नॉट कॉल्ड मी मास्टरमाइंड। हालांकि इस पॉइंट के खिलाफ ESG SP राजू दिखे थे और कहा था कि विजय नायर पार्टी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट थे एंड स्टेटेड ही इज सपोज टू बी मीडिया इन चार्ज ऑफ द पार्टी, नथिंग टू डू विद एक्साइज, बट ही वॉज रोप्ड इन एज अ मिडल मैन फॉर टेकिंग किक बैक्स फ्रॉम दोज हु वर गिवन लाइसेंसेज ऑन मेरिट्स ही वुड नॉट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 45 PMLA। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ASG SV राजू ने सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के इस पॉइंट को भी फटकारा है, जहां उन्होंने सिसोदिया, कविता और विजय नायर के केस को सेम बताया एंड स्टेटेड हिज केस इज डिफरेंट फ्रॉम सिसोदिया एंड कविता'स केस, इट वाज एसेंशियली ऑन द ग्राउंड दैट शी वाज अ वुमन एंड हर बेल एप्लीकेशन वाज डिसाइडेड। डिले इन ट्रायल की बात को भी रिजेक्ट करते हुए ASG SV राजू ने कहा कि एज फार एज डिले इन प्रोसीडिंग विद द ट्रायल एज फार एज ही इज कंसर्न्ड देयर आर 99 विटनेसेस एंड आउट ऑफ 10 key witnesses. We are willing to examine those 10 witnesses, but the accused are creating hurdles one after the other. Senior Advocate Singhvi ne hearing ke dauran kaha bhi tha ki baaki Delhi exercise policy cases ki tarah Vijay Nair ka case bhi ek slow pace par chal raha hai, jisse ASG Raju kaafi bhadke hue nazar aaye the and had stated 118 applications have been filed by the accused under section 207 and 208. They are asking for documents not relied upon by us. Trial has not progressed at a स्टेल स्पेस। और फाइनली अपना ऑर्डर स्टेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि द राइट ऑफ लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 इज सैक्रोसैंक्ट एंड रिक्वायर्स टू बी रिस्पेक्टेड इवन इन केसेस वेयर स्ट्रिंगेंट प्रोविजंस आर इनएक्टेड। द पिटिशनर हैज बीन इन कस्टडी फॉर 23 मंथ्स एंड इज इनकार्सरेटेड एज एन अंडर ट्रायल। दिस कैन नॉट बी अ मोड ऑफ पनिशमेंट विदाउट ट्रायल बीइंग कमेंस्ड। द यूनिवर्सल प्रोपोजिशन ऑफ बेल बीइंग द रूल एंड जेल बीइंग द एक्सेप्शन विल बी एंटायरली डिफीटेड इफ पिटिशनर इज केप्ट इन कस्टडी एज एन अंडर ट्रायल फॉर सच long duration when the sentence can only be 7 years maximum in the evening of conviction. We are of the view that petitioner deserves bail. Accordingly, bail is granted on the terms in this order. जिसके साथ ही उन्होंने बेल देते हुए विजय नायर को रिलीज कर दिया है और जो कि 3 सितंबर को जेल से निकलते हुए दिखेंगे। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल भी कब जेल से निकल सकते हैं। Till then, keep following Law Chakra.